हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अमिताज किचन, कुछ मीठा कुछ नमकीन। फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ रशियन सैलड की रेसिपी। चलिए मैं आपको उसके इंग्रेडिएंट्स दिखा देती हूँ। मैंने एक कप, देखिए, फाइनली चॉप्ड फ्रेंच बीन्स ली हुई है, एक कप काटा हुआ, देखिए छोटे छोटे पीसेस में पोटैटो, आलू लिया हुआ है, बॉइल्ड आलू नहीं लेना है, कच्चा आलू लेना है, एक कप कैरेट ली हुई है, गाजर, एक कप हरे मटर लिए हुए। मटर अगर सीजन में आप बना रहे हैं, सैलड अच्छे आ रहे हैं मटर कच्चे, तो आप इनको बॉईल मत करिएगा, पर ये अभी मटर का इतना सीज़न नहीं है, थोड़े से हार्ड थे, तो मैंने प्रेशर कुकर में एक विसल दिला लिए इनको। एक कप देखिए फाइनली चॉप पाइनएप्पल लिया हुआ है। अगर आप फ्रेश पाइनएप्पल ले रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि पाइनएप्पल मीठा होना चाहिए, नहीं तो आप कैन पाइनएप्पल यूज़ कर सकते हैं। एक कप वेज मेयोनीज ली हुई है एंड हाफ कप फ्रेश क्रीम ली हुई है। इसके अलावा इसमें डलेगा सॉल्ट एंड पेपर। चलिए अब हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए मैंने एक पैन में पानी बॉईल करने रख दिया है, ये पानी हो रहा है गरम। हम एक एक करके वेजिटेबल को बॉईल करेंगे। हम प्रेशर कुकर में, आप सोचेंगे मैं प्रेशर कुकर में क्यों नहीं कर रही हूँ, क्योंकि प्रेशर कुकर में करेंगे तो सब्जी गल जाती है, उसमें वेजिटेबल में वो क्रंचीनेस नहीं रह जाती है, तो इसलिए वन बाय वन हम एक एक करके एक वेजिटेबल अलग अलग करेंगे, क्योंकि हर वेजिटेबल का अलग टाइम लगेगा उसमें होने में। अगर एक साथ करेंगे तो सारी वेजिटेबल्स मिक्स हो जाएंगी। तो देखिए सबसे पहले मैं कैरेट कर रही हूँ, पानी गर्म हो गया है, मैं इसमें डाल दूंगी। मटर मैंने इसलिए करे, मैंने आपको बताया कि अभी मटर थोड़े से हार्ड आने लगे हैं, तो ओपन करके बॉईल करने से वो मटर अच्छे से होते नहीं, तो इसलिए अब इसको मैंने रख दिया है। ये मैंने डाली है गाजर, इसको आप घड़ी देख के बस 2 मिनट अच्छे गर्म पानी में खोल के इसको अच्छे से बॉईल कर लेना है, ज़्यादा नहीं लगना। तो चलिए हम इसको 2 मिनट अच्छे से बॉईल कर लेते हैं। ये देखिए ये हमारा गाजर हो रही है, हम वन बाय वन गाजर हो जाएगी तो उसको चलिए निकाल लेंगे, फिर दूसरी वेजिटेबल करते हैं। देखिए 2 मिनट हो गए हैं, अब हम इसको निकाल लेते हैं। इस तरीके से हम इसको निकाल लेंगे और इसको इसी पानी में हम दूसरी वेजिटेबल बॉईल करने के लिए रख लेंगे। पहले हम सारी गाजर निकाल लेते हैं, उसके बाद हम इसमें बीन्स डाल लेते हैं। इस तरीके से हम देखिए सारी वेजिटेबल निकाल लेंगे। ये देखिए मेरी सारी गाजर मैंने निकाल ली है, इसको एक बाउल में मैं निकाल देती हूँ और इसकी अब हम मैं डाल देती हूँ। इसी तरह इसमें बीन्स डाल दूंगी इसी पानी में। बीन्स अगर देखिए बहुत सॉफ्ट है, बिल्कुल कच्ची है, तो फिर 2 मिनट करिएगा, अदरवाइज़ अगर थोड़ी सी हार्ड है, थोड़ी सी पकी हुई है, तो इसको अराउंड 3 मिनट कर लीजिएगा। चलिए इसको भी हम 2 मिनट कर लेते हैं। देखिए हमारी बीन्स भी 2 मिनट बॉयल हो गई है, इसी तरह मैं इसको भी निकाल लेती हूँ। इसको निकाल के इसके बाद मैं नेक्स्ट वेजिटेबल भी बॉईल कर लेती हूँ। देखिए इसी तरह सारा निकाल लेती हूँ। ये देखिए हमारी बीन्स भी मैंने निकाल ली हैं सारी, इसको भी हम साइड में कर देते हैं और इसके बाद हम इसमें डाल देते हैं आलू डाल देंगे। मटर तो ऑलरेडी हम कर चुके हैं, नहीं तो मटर फ्रेश हो बिल्कुल कच्चे, तो इसी तरीके से मटर भी हमें बॉईल करना है। अब ये आलू को थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा, इसको कम से कम हमें 3 मिनट के लिए इसको बॉईल करना है, और 3 मिनट बाद चेक कर लीजिएगा कि वो अच्छे से कच्चा, मतलब गला हुआ ना हो, क्रंची हो। सभी वेजिटेबल्स में ये ध्यान रखिएगा कि बहुत सॉफ्ट ना हो जाए, क्रंचीनेस रहनी चाहिए वेजिटेबल्स में, तभी सैलड का मज़ा आएगा। चलिए अब हम इसको भी 3 मिनट बॉईल कर लेते हैं। देखिए 3 मिनट हो गए, हमारे आलू भी अच्छे से हो गए, मैंने चेक कर लीजिएगा आप भी, अगर आपको लगे कि हल्का सा कमी है तो आधा मिनट अराउंड इसको और कर लीजिएगा। तो इसी तरह चलिए मैं ये आलू भी निकाल लेती हूँ और उसके बाद हमारे सारी वेजिटेबल्स हो गई हैं, इसके बाद हम सैलड बनाते हैं। देखिए हमारे आलू भी सारे हो गए, निकाल लिए। अब हमने करना क्या है, इन सारी वेजिटेबल्स को अच्छे से ठंडा कर लेना है, बिल्कुल भी गर्म नहीं रहनी चाहिए, बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे हो, उसके बाद हम इसको सैलड बनाते हैं। मेरी सारी वेजिटेबल्स बॉयल हो गई हैं और ठंडी कर ली है मैंने इसको, अब चलिए हम सैलड बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये जितनी भी वेजिटेबल्स हैं सबको हम एक बाउल में डालते जाएंगे। देखिए सारी वेजिटेबल्स अच्छे से डाल देंगे इसमें, मिक्स कर देंगे और उसके बाद हम इसमें डाल देंगे
ये देखिए ये मेयोनीज डाल रही है इसमें, इसको पहले थोड़ा सा अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये बहुत ही आसान है बनाना और सबको बहुत अच्छा लगता है। आप देखिए शादियों में भी जाते होंगे, सबसे पहले जहाँ सैलेड्स लगे होते हैं सबसे पहले रशियन सैलेड लगा होता है। अब इसके बाद हम डाल देंगे इसमें ये फ्रेश क्रीम, फ्रेश क्रीम डाल देंगे। ये ज़रूर चेक करिएगा क्रीम बिल्कुल भी खट्टी ना हो। भी मिक्स कर देंगे। आपको अगर सैलेड जाना बनाना है तो उसी हिसाब से आप वेजिटेबल्स ज़्यादा कर लीजिएगा, जितना आपको बनाना है उसी हिसाब से आप डेढ़ डेढ़ कप कर लीजिएगा। मैंने एक कप के हिसाब से आपको बता दिया है, उसी हिसाब से आप वेजिटेबल्स बढ़ा भी सकते हैं। अब इसके बाद हम इसमें डालेंगे सॉल्ट एंड पेपर डालेगा, क्योंकि सॉल्ट बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, अब पेपर भी बहुत ज़्यादा नहीं डलेगी। ताकि आप देख लीजिएगा, इसके बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको आप ये ध्यान रखिएगा इस सैलेड को ठंडा सर्व करना है। मिक्स कर लिया, अब इसके बाद हम इसमें ऐड कर लेंगे ये पाइनएप्पल। हमारा रशियन सैलेड बिल्कुल तैयार हो गया है खाने के लिए, बिल्कुल तैयार हो गया है। चलिए अब हम इसको सर्व कर देते हैं। देखिए मेरा रशियन सैलेड बिल्कुल खाने के लिए रेडी हो गया है। आप इसको बनाइए और बताइए आपको कैसा लगा। अगर आपने बनाया और अच्छा लगा तो आप इसको शेयर करिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ मेरे इस रेसिपी को, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और एक बात का ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स कि इस रशियन सैलेड को चिल सर्व करना है। आप फ्रिज में खाने से पहले अराउंड कम से कम मिनिमम एक घंटा ज़रूर फ्रिज में रखें, उसके बाद ही सर्व करें। चलिए अगर आपको मेरे और भी वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, आप देख रहे हैं, तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।